न्यू दुर्गा ज्वेलर सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा .com। हरियाणा में सभी मंत्रियों को विभाग है वो बांट दिए गए हैं और किस मंत्री को कितने विभाग मिले हैं और कौन है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, इस वीडियो में हम आपको वो बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं, उनके पास सबसे ज़्यादा विभाग है वो उन्होंने रखे हैं, जिनमें से सबसे बड़ा गृह मंत्रालय उनके पास रहेगा। पिछली बार गृह मंत्रालय है वो नायब सिंह सैनी के पास था, इस बार भी उन्होंने ये गृह विभाग है अपने पास रखा है, इसलिए इसके साथ साथ वित्त, योजना, आबकारी एवं कराधान, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, शहरी संपदा, सूचना जन संपर्क, भाषा एवं सांस्कृतिक विभाग, न्याय प्रशासन, सामान्य प्रशासन, सबके लिए आवास, CID, कार्मिक और प्रशिक्षण, कानूनी एवं विधायी और वह सभी विभाग जो किसी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं, वो तमाम विधायक हैं, वो विभाग हैं वो नायब सिंह सैनी हैं, उनके पास रहेंगे। इसके साथ साथ जो दूसरी ये कहूँगा कि जगह पर शपथ लेने वाले अनिल विज, उनको भी तीन विभाग दिए गए हैं, जिनमें से बिजली और परिवहन और श्रम विभाग है उनको दिए गए हैं। मनोहर लाल टू सरकार में अनिल विज है, उनको पास गृह और स्वास्थ्य विभाग उनके पास था और अनिल विज को अब बिजली और परिवहन के साथ साथ श्रम विभाग दिए हैं, यानी तीन विभाग उनको दिए गए हैं। इसके साथ साथ रणबीर गंगवा हैं कैबिनेट मंत्री, उनको दो विभाग दिए हैं जो बड़े महकमे हैं दोनों, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी और लोक निर्माण विभाग, यानी कि पब्लिक हेल्थ और PWD है वो रणबीर गंगवा है, उनको दिए हैं। कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार है, उनको पंचायत विभाग का जिम्मा उनको सौंपा है, खनन और भूविज्ञान वो भी विभाग उनको दिया है, यानी कि पंचायत मंत्री हैं वो कृष्ण लाल पंवार है वो रहने वाले हैं। राव नरबीर सिंह हैं, उनको उद्योग मंत्री बनाया है, उद्योग विभाग उनको दिया है। इसके साथ साथ पर्यावरण वन एवं वन्य प्राणी दिया है उनको, विदेश सहयोग विभाग दिया है और सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण विभाग भी उनको दिया गया है। श्याम सिंह राणा है, उनको कृषि मंत्री बनाया है, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग उनको दिया है, पशुपालन विभाग और मत्स्य भी उनके पास रहेगा। विपुल गोयल हैं, जिनको राजस्व एवं आपदा प्रबंधन वो उनको दिया है, डिजास्टर मैनेजमेंट और शहरी निकाय विभाग भी उनको दिया है, जो पिछली बार डॉक्टर कमल गुप्ता है उनके पास था, अब विपुल गोयल हैं वो शहरी निकाय विभाग संभालेंगे। नागरिक उड्डयन विभाग भी उनको दिया है, जो पहले दुष्यंत चौटाला के पास होता था मनोहर लाल टू सरकार में। कृष्ण बेदी हैं, उनके पास सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण, SC और BC वेलफेयर और अंत्योदय कल्याण विभाग उनके पास रहेगा, आतिथ्य सत्कार और वास्तुकार, ये तीन विभाग हैं वो कृष्ण बेदी के पास रहेंगे। कृष्ण बेदी हैं मनोहर लाल वन सरकार में भी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वो पहले रह चुके हैं। इसी तरह से श्रुति चौधरी हैं कैबिनेट मंत्री, उनको महिला एवं बाल विकास विभाग उनको दिया है और ये विभाग है वो पहले कमलेश ढांडा है उनके पास था और उसके बाद जिस तरह से दूसरा विभाग उनको दिया है सिंचाई एवं जल संसाधन, यानी कि इरिगेशन मिनिस्टर हैं, सिंचाई मंत्री हैं वो रहेंगी श्रुति चौधरी, दोनों ही अच्छे महकमे हैं वो श्रुति चौधरी को दिए हैं। इसके साथ साथ आरती सिंह राव, उनके पास स्वास्थ्य का जिम्मा है, इसके साथ साथ चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान और आयुष, ये तीनों ही स्वास्थ्य से रिलेटेड तीनों विभाग हैं महकमे हैं वो आरती सिंह राव को दिए हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं वो आरती सिंह राव है वो बनी हैं। महिपाल ढांडा हैं कैबिनेट मंत्री, उनको शिक्षा मंत्री बनाया गया है, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, अभिलेखागार और संसदीय मामलों के मंत्री हैं वो रहेंगे। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा हैं, उनके पास सहकारिता विभाग है, जेल, चुनाव और पर्यटन, ये चार विभाग हैं उनके पास रहेंगे। और इसके साथ साथ चूँकि पहले जेल विभाग है वो अगर नायब सिंह टू सरकार की बात करें तो रणजीत सिंह चौटाला है उनके पास था, अब ये डॉक्टर अरविंद शर्मा है उनके पास चला गया है। इसी तरह से जो राज्य मंत्री है स्वतंत्र प्रभार के गौरव गौतम, उनके पास युवा सशक्तिकरण एवं इंटरप्योर
और इसके साथ साथ खेल, कानून एवं विधायी कार्य जो सीएम के साथ अटैच हैं, वो तीन विभाग उनके साथ रहेंगे। यानी कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं वो गौरव गौतम जो है वो बने हैं। पहले ये विभाग है वो संदीप सिंह है वो देखते थे, उसके बाद जो नायब सिंह सरकार में जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं वो अन्य मंत्री को बनाया गया था। अब राज्य मंत्री राजेश सिंह नागर हैं, उनके पास फूड सप्लाई डिपार्टमेंट उनके पास है, खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले और प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी विभाग भी उनके पास रहेगा। इस तरह से तमाम मंत्रियों को विभाग है वो अलॉट कर दिए गए हैं। और मंत्री बनने के बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने तमाम जो मंत्रियों को उनके कार्यालय में उनको कुर्सी पर बिठाया और जो है कुछ को उन्होंने मिठाई खिलाई, वहीं बुके देकर के सम्मानित किया। और जो महिला मंत्री हैं, चाहे श्रुति चौधरी की बात करें चाहे आरती सिंह राव की बात करें, तो उन्होंने भी नायब सिंह सैनी ने उनके सर पर भी हाथ रखा। उनकी जो फोटो है वो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, क्योंकि सबसे ज़्यादा पावरफुल है वो नायब सिंह सैनी ही रहेंगे। उनके पास जो बड़े महकमे हैं वो नायब सिंह सैनी ने रखे हैं। इसके साथ साथ अलग अलग, चाहे स्वास्थ्य की बात करें तो आरती सिंह राव के पास चला गया है, सिंचाई विभाग है वो श्रुति चौधरी के पास चला गया है, रणबीर सिंह गंगवा है उनको भी दो बड़े महकमे उनको दिए गए हैं। इसी तरह से अनिल विज हैं जो कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं वो कहलाएंगे, और जो है एनर्जी मिनिस्टर यानी कि बिजली मंत्री वो कहलाएंगे, वो विभाग उनको दिया है। यानी कि हर मंत्री को एक बड़ा महकमा है वो दिया है, ये कह सकते हैं आसान भाषा में, क्योंकि तमाम मंत्री हैं, 2-7 जो विभाग हैं उनमें सबके पास एक एक बड़ा महकमा है वो दिया गया है। और कुछ मंत्री ऐसे हैं जो जिनको पावरफुल जिनको कहा जा सकता है, जिसमें रणबीर गंगवा हैं, आरती सिंह राव हैं, श्रुति चौधरी हैं, जिनको पावरफुल कहा जा सकता है। इसके साथ साथ महिपाल ढांडा हैं जिनको एजुकेशन दिया गया है, और जो मंत्री हैं इसके साथ साथ विपुल गोयल हैं उनको भी यूएलबी मिनिस्टर बनाया गया है, शहरी निकाय विभाग। श्याम सिंह राणा है उनको भी एक पावरफुल महकमा कृषि का दिया गया है, और राव नरबीर सिंह है उनको उद्योग मंत्रालय दिया है उनको, और इसी तरह से कृष्णलाल पंवार है उनको पंचायत मंत्री बनाया गया है। रणबीर सिंह गंगवा के पास दो बड़े महकमे हैं, और अनिल विज हैं उनको भी दो बड़े महकमे दिए गए हैं। इसके साथ साथ जो नायब सिंह सैनी हैं उन्होंने भी काफ़ी महकमे हैं वो अपने पास रखे हैं, जिनमें गृह, वित्त, योजना, आबकारी, टाउन कंट्री प्लानिंग और सूचना जनसंपर्क, न्याय प्रशासन, सामान्य प्रशासन, CID, सबके लिए आवास, और काफ़ी ऐसे महकमे हैं जो किसी भी मंत्री को नहीं दिए गए हैं, वो जो है नायब सिंह सैनी उनके पास रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए। आप किसे सबसे ज़्यादा पावरफुल मानते हैं, किस महकमे में सबसे ज़्यादा कामकाज होते हैं जो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे, आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।